नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील। आपके अपने YouTube चैनल सुनील काउ फार्मिंग में आपका हार्दिक स्वागत है। तो सामने आप देख रहे हैं हरियाणा नस्ल की गायें और यादविंदर शर्मा जी को आप देख सकते हैं, डेरा सच्चा सौदा सिरसा, हाई सच हाईटेक डेयरी। और आज इनसे हम जानेंगे, इन्होंने बहुत ही अच्छी जानकारी हमें दी, पहले भी एक दो वीडियो मैंने आज की ही बनाई है। और एक इन्होंने बताया कि जो कि गाय को न्याणा जो लगाते हैं वो किस तरह से, कौन सी ट्रिक जो किसान भाई हैं वो अपना सकते हैं, क्योंकि कई गोवंश को न्याणा लगा के जैसे वो दूध निकालते हैं तो उस समय वो पैर न हिलाए, तो इसलिए न्याणा लगाया जाता है। तो एक बार बताएं जी, आपने जो बताया। हाँ जी सर। हाँ जी, जी। कई बार मेरे को लोग पूछते हैं, अभी हमारी गाय पहले गई है, दूध नहीं दे रही, नेदना ने लगवा रही, बहुत ज़्यादा फोन आते हैं। हाँ, इसलिए आज आपके माध्यम से बोल रहा हूँ कि ऐसे नेदना लगा और ऐसे खड़ना चाहिए। आदमी को बताता हूँ आपको। हाँ जी, जी। जब भी खड़ना है तो नेदना लगाने के टाइम बिल्कुल 90 डिग्री के कोण पे खड़ना। अच्छा अच्छा, हमें बिल्कुल टांगे जहाँ है उधर बिल्कुल 90 डिग्री के कोण पे खड़े। अच्छा अच्छा, 90 डिग्री का कोण होना चाहिए, जो पढ़े लिखे हैं वो समझ जाएंगे। ठीक है जी, ठीक है। 90 डिग्री के एंगल पे आप गाय से खड़े हो, चलेगी ऐसे टांग चलेगी, परंतु ऐसे टांग नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी। ठीक है, 90 डिग्री के कोण पे खड़ना है। हाँ जी, दूसरा आप नेदना लेना, नेदना लेने के टाइम कभी भी नेदना देना, तो नेदना कैसे करना है, नेदना कैसे दिया, पहले तो नेदने के ऊपर गांठ डालो यहाँ। हाँ जी जी जी, गांठ भारी होना जरूरी है। अच्छा, गांठ लगाने भारी होने पे, कोने पे गांठ लगानी जरूरी है, भारी होना जरूरी है। हाँ जी जी, फिर अपने ऐसे डालेंगे, ऐसे करके नेदना, अभी इस गाय को बांधा हुआ नहीं है, बांधा हुआ नहीं, नेदना ऊपर से दे आपको बताऊंगी, कि ऐसे नहीं कि ऐसे करके नेदना वो कर लेना, बस नेदना वो उधर कटके नेदना करना। बाकी दूसरा एक आपको और बताता हूँ, कई बार बोलते हैं कि नेदना कंगन लेता नहीं, टांगे मार रहा है। हाँ जी जी, जब भी अपन करना है तो ऊपर से उसको पहले है, ज़्यादा टांगे मार रही है। हाँ हाँ, तो उसके क्या करना है, आपने बांध दो एक बार इसको, या तो हाँ बांध दो, ये हिलेगी नहीं ना फिर। हाँ जी, बांधी। हाँ, 90 डिग्री वाले कोण पे, कोण पे खड़े हो गए, कोण पे खड़े हो गए, और उसको जो भारी है उसको, हाँ, ऐसे दो, उसको ऐसे करके ऐसे करेंगे तो नेदना अपनी तरफ अपने आप। हाँ जी जी, ऐसे आ जाएगा। ठीक है जी, ठीक है, ऐसे आ जाएगा। क्रॉस कर ले अंदर से, क्रॉस कर ले अंदर से, क्रॉस करके ऐसे करके कभी भी गांठ ना डालो, ये जो पीछे वाला है ऐसे करके रखो, सरकनी गांठ होनी चाहिए, सरकनी गांठ हो, ऐसे खींचेंगे तो गांठ ऐसे खींच जाएगी, बच्चे बच्चे आपको खींच जाएंगे। ठीक है जी, ठीक है। दूसरा कई बार क्या होता है कि अपन नेदना नहीं लगवाता डंगर, हाँ हाँ, उधर से ऐसे ऊपर से रहो, अभी मैं आपको बता देता हूं कि ये गायें अभी ड्राई है, बच्चे को जन्म देने वाली है, तो काफ़ी दिन से इसकी बिल्कुल, इससे नीचे से, हाँ 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 हाँ, ये नीचे से ले लो ऊपर से, क्योंकि काफ़ी दिन से इसको ये न्याणा लगाया नहीं गया, तो उस वजह से थोड़े हिल डुल रही है। अच्छा, पीछे ले आओ उसको, हैं पीछे ले। ठीक है जी, ठीक है, पीछे ला के 90 कोण पे रहना है, कभी भी रहें 90 के कोण पे रहना। हाँ जी, उसके से नादना लगा सकते, कभी धरना नहीं है। इसको ऊपर एक बल दिया, ऐसे करते थे, वाह जी वाह, और जितना उसको डराओ मत, प्रेम भाव से नादना लगाओ। हाँ हाँ, ड्रा के धमका के नहीं, इनके तो ड्राए से देसी गाय कोई भी काम नहीं करेगी। हाँ हाँ हाँ, बहुत लोग बोलते हैं हमने देसी गाय ले ली, नेदना नहीं लगा रही और नहीं कर रही, परंतु प्रेम भाव से, जैसे अपने बच्चे को पता होता है भी डैडी मेरा कुछ नहीं बोलेगा। हाँ, कितने गुस्सा करता रहूँ, उसका गुस्सा समझता नहीं, अपने इसका कितने गुस्सा करती रहे परंतु गुस्से को समझना, मैंने समझा भी, ड्राइव पे लगाया। हाँ हाँ, बिल्कुल जी बिल्कुल, अगर जिसके डरता रहता तो ये भी नहीं लगवाती। हाँ हाँ, ड्राई है। एक सेकेंड, ये देखो